हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल सॉल्वर के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयप्रकाश कुमार। आज हम मुजफ्फरपुर जिले के पंकज मार्केट के पास हैं। यहां पे ये हमारी टीम ने सोलर इंस्टॉलेशन किया हुआ है। इसके बारे में आज आपको हम पूरा डिटेल में बताएंगे, इसके बेनिफिट और इसके नुकसान और ये किस तरह लगता है और इसका पूरा फुल डिटेल बताएंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये ऑन ग्रिड सोलर लगा हुआ है। सोलर तीन टाइप के होते हैं, इसके बारे में हमारे सर बताएंगे पूरा डिटेल में कि ऑन ग्रिड सोलर क्यों लगाए हैं और किस लिए लगाए हैं और इसके क्या बेनिफिट है। तो आइए दोस्तों, उनसे बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जयेश चंद्र सिन्हा हुआ, मैं नॉर्थ बिहार वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से हूँ। हम लोगों ने यहाँ पंकज मार्केट में 5 किलोवाट का ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया है। यहाँ ऑन ग्रिड लगाने का पर्पस ये था कि कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि कस्टमर को बिजली बिल बचाना था, तो बिजली बिल बचाने के लिए जो कि यहाँ मुजफ्फरपुर शहर एरिया है, यहाँ 20 से 22 घंटे लगभग लाइन रहती है, तो हम लोगों ने यहाँ पे उनको ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सजेस्ट किया उनके लोड के हिसाब से 5 किलोवाट का। अब जहाँ तक बात आती है कि सोलर तीन टाइप के होते हैं, ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे लाइन का ज़्यादा कनेक्टिविटी नहीं रहता, लाइन ज़्यादा कटती है, तो वहाँ पे बैकअप के लिए हमें चाहिए रहता है, तो वो बैटरी सिस्टम रहता है। वहाँ पे हम लोग ऑफ ग्रिड लगाते हैं जहाँ पे उनको गवर्नमेंट को सोलर नहीं देना रहता और ख़ुद का ही जनरेट करके कंज्यूम करना रहता है। हाइब्रिड वो सिस्टम होता है जहाँ पे सोलर को स्टोर करने के लिए, एनर्जी स्टोर करने के लिए बैटरी की भी ज़रूरत होती है और ऑन ग्रिड का भी फंक्शन उसमें रहता है, जिसमें हम गवर्नमेंट से सोलर की बिजली दे भी सकते हैं और वहाँ से ग्रिड से कनेक्टिविटी ले भी सकते हैं। तो ये तीन तरीके के सोलर हुए, ऑन ग्रिड जिसमें गवर्नमेंट को हम सोलर की एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं और जब ज़रूरत पड़ता है उनसे एनर्जी लेते हैं। हाइब्रिड जिसमें स्टोरेज भी करते हैं और गवर्नमेंट को भी बिजली देते हैं, गवर्नमेंट से बिजली लेते भी हैं। ऑफ ग्रिड जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम अपने यूज़ के लिए सोलर यूज़ करते हैं और बैटरी यूज़ करते हैं, वहाँ पे गवर्नमेंट को कुछ बिजली लेन देन नहीं होती है। अच्छा सर, ये बताइए, हमारे जो व्यूअर हैं जो हमारे कमर्शियल पर्पज़ में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एज ए डॉक्टर या अपार्टमेंट या मॉल में? जी बिल्कुल सही बोला आपने, ये हम लोग आज जो इंस्टॉलेशन दिखा रहे हैं ये रेजिडेंशियल इंस्टॉलेशन है। हमारा कमर्शियल इंस्टॉलेशन भी होता है, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, मॉल, फैक्ट्री, इसमें कमर्शियल इंस्टॉलेशन होता है जहाँ पे 50 किलोवाट, 25 किलोवाट या इससे ज़्यादा भी लगते हैं, वहाँ पे भी इंस्टॉलेशन होता है, वहाँ पे भी ऑन ग्रिड सिस्टम लगता है जिसमें वो गवर्नमेंट को दे भी सकते हैं बिजली और गवर्नमेंट से ले भी सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह ऑन ग्रिड सिस्टम की ये कि अगर आपका लोड आज के डेट में 5 किलोवाट से ज़्यादा भी हो गया तो आपके घर में जो लोड है उसको इफेक्ट नहीं पड़ेगा, गवर्नमेंट के और सोलर दोनों मिला के आपके घर को उस समय बिजली देती रहेगी। सपोज़ मान के चलिए 5 किलोवाट आज हमने लगाया, हमारा आज का यूज़ 2 किलोवाट है, तो 3 किलोवाट का जो बिजली है वो गवर्नमेंट को उस समय जाता रहेगा। अच्छा सर, ये बताइए, हमारे जो अगर कस्टमर हुए जिनको कमर्शियल लगाना है, अगर वो लगाना चाहे तो आप उनको किस तरह लगाइएगा, किस तरह का सर्विस दीजिएगा कि उनको फ्यूचर में दिक्कत ना हो और वो आपके साथ जुड़े रहें? सर, हमारा जो है, हम किर्लोस्कर के मुजफ्फरपुर, वैशाली और छपरा, ये तीनों जगह के हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं। हमारा अदानी सोलर के साथ बिहार का CNF भी है, तो हम एक बहुत ही अच्छा रेट प्रोवाइड करते हैं कस्टमर को और हमारे पास सर्विस भी है किर्लोस्कर की, सो सेल्स सर्विस एंड थ्रू मेंटेनेंस तीनों हमारे पास है। तो जब भी किसी को ज़रूरत, आज तक तो जहाँ भी लगाया भगवान की दया से कहीं पे कोई कंप्लेन नहीं आया, बट अगर कहीं पे कुछ भी मेंटेनेंस का ये रहता है तो सर्विस टीम भी हमारे पास है, हमारा सर्विस टीम तुरंत 24 आवर्स के अंदर में विज़िट करेगा। अगर वहाँ पे हमारे फर्स्ट पॉइंट से सब कुछ ठीक हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम कंपनी के इंजीनियर को कॉल करके इमीडिएटली उनको बुलाएंगे। और सर ये बताइए, किसी भी प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो उसका वारंटी बहुत मायने रखता है, ये सोलर और ऑन ग्रिड इन्वर्टर का हमारा क्या वारंटी रहता है, क्या इसका पीरियड है वारंटी पीरियड? जी बिल्कुल सही बोला आपने कि वारंटी बहुत ज़रूरी है। तो हम जो इंस्टॉलेशन करते हैं उस इंस्टॉलेशन, जैसे ये फ्रेम हो गया, वायरिंग हो गई, ठीक है,
लाइटनिंग अरेस्टर हो गया, इन सब पे हमारा 5 साल का वारंटी रहता है और इन्वर्टर पे हमारा मैक्सिमम 10 साल की वारंटी है और प्लेट्स पे हमारे पास 25 साल की वारंटी है, जिसमें से 12 साल हमारा टेक्निकल वारंटी है। सपोज़ मान के चलिए टेक्निकली कुछ उसमें खराबी होगी तो 12 साल के अंदर कंपनी आपको प्लेट चेंज करके देगी। परफॉर्मेंस वारंटी टोटल कवर किया जाता है 25 साल का। सपोज़ मान के चलिए आज के डेट में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है इससे बिजली, और 24वें साल 23वें साल भी अगर इसका प्रोडक्शन 80% से कम हो जाता है तो कंपनी प्लेट चेंज करके देती है। अच्छा सर, ये जो लाइटिंग अरेस्टर लगा हुआ है इसका हमारे व्यूवर को बताइए कि इससे हमें क्या बेनिफिट होता है। सर देखिए, लाइटिंग अरेस्टर जो हम लगाते हैं, ये लाइटिंग अरेस्टर है, आप देख पा रहे होइएगा, इसका डिटेल में हमें बता रहे हैं सर क्या बेनिफिट होता है। लाइटिंग अरेस्टर लगाने का पर्पस ये होता है कि क्योंकि ये पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमें जी यहाँ पे लगाया है, तो ये जो है अगर कभी बिजली गिरती है तो उसको अट्रैक्ट ज़्यादा करेगी। उस पॉइंट पे हम एक लाइटनिंग अरेस्टर इसलिए देते हैं अलग से ताकि बिजली प्लेट पे ना गिरे और डैमेज ना करे, और लाइटनिंग अरेस्टर उसको कैच करके ग्राउंड कर दे। हमने इसमें 3 अर्थिंग लिया है लाइटनिंग अरेस्टर के लिए, 1 एसी कनेक्शन के लिए और 1 डीसी कनेक्शन के लिए। वो आपको नीचे समझ में आएगा जब इन्वर्टर और एसी डीबी डीसी डीबी दिखाया। और सर ये बताइए, जैसे हमारे सबसे ज़्यादा देखते हैं हमने अभी तक, जो अब तो सारे जगह कॉमर्शियल और डोमेस्टिक में लग रहा है जी, और सर ये बताइए ये हमारा कितना केवी का सेटअप है और इसमें कितने पैनल लगे हैं? ये हमारा 5 केवी का सेटअप है, इसमें मोनो हाफ कट पैनल लगा हुआ है और इसमें टोटल 9 पैनल लगे हुए हैं। ये 530 वाट का एक पैनल है। सर ये मोनो हाफ कट कट थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताइए ताकि हम अपने व्यूवर को बता पाए। अच्छा, मोनो हाफ कट का क्या मतलब हुआ, आप जब प्लेट देखिएगा इसमें आपको एक यहाँ से डिवीज़न दिख रहा है जी, ये जो लाइनिंग है। हाँ जी, ये मोटी वाली लाइनिंग। अच्छा जी ओके, इसके इस साइड और उस साइड कंपनी ने क्या किया कि इसको थोड़ा डिवाइड कर दिया। पहले क्या होता था, अगर शेडो आ रहा है जी या चिड़िया ने बीप कर दिया जी तो एक पैनल में अगर हो गया तो वो पूरा फंक्शनिंग पैनल का कम हो जाता, इफिशियंसी कम हो जाती थी। तो कंपनी ने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया कि सपोज मान के चलिए इसका शेडो आ रहा है इस पोर्शन पे, हाफ पोर्शन पे, या चिड़िया का बीज ज़्यादा हो गया है तो उस समय सिर्फ ये हाफ पोर्शन का इफिशियंसी कम होगा बट ऊपर का पूरा मतलब इस देगा। अगर इस हाफ प्लेट पे अगर हमारा छाया आ जाए किसी भी तरह से तो बाद बाकी हमारा आधा प्लेट काम करते रहेगा और ये भी काम करेगा लेकिन कम मात्रा में काम करेगा। पहले क्या होता था कि अगर थोड़ा एफिशिएंसी इस कारण से कम हुआ शेडो तो पूरे प्लेट का एफिशिएंसी कम हो जाता। अच्छा सर, जैसे कि आपने बताया कि आप किलोस्कर के डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर हमारे जो व्यूअर है अगर वो अडानी या और भी कंपनी का लगाना चाहते हैं तो आप मतलब क्या बताना चाहते हैं उनके बारे में? आप हमसे संपर्क करें, हमारा ऑफिशियल नंबर है 7033-462-462, ये आपके स्क्रीन पर भी दिखेगा, और आप हमें संपर्क करें, हम आपको बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देंगे क्योंकि इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन और कमर्शियल सॉल्यूशन में कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे रहते हैं जो आउट ऑफ द सोलर लगते हैं जिस कारण से आपका फ्लक्चुएशन, कभी कभी क्या होता है किसी किसी मशीन में फ्लक्चुएशंस का प्रॉब्लम होता है, मतलब लाइन कटी तो उनको फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए, उन सब का वो डीजी सिंक होता है और UPS होता है, वो सब कनेक्टिविटी भी हम करके बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं जिनके कारण हमारा अभी थोड़ा यूज़र्स कह लीजिए या आपके व्यूअर्स कह लीजिए या लोगों का ज़्यादा प्यार मिल रहा है क्योंकि हम सॉल्यूशन उनको प्रॉपर दे रहे हैं जी। मेरे कहने का मतलब हुआ कि हमारे व्यूअर अगर आएंगे तो आप उनको कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे इंस्टॉलेशन के साथ जी, सर्विस मतलब पूरी तरह से आप उनको संतुष्ट कर देंगे। बिल्कुल सोलर पैनल, इन्वर्टर, इंस्टॉलेशन, नेट मीटरिंग सब कुछ हम करा के देते हैं जी। कस्टमर को सिर्फ हमें ऑर्डर करना है, अपना रिक्वायरमेंट बताना है, उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन बताएंगे, ऑर्डर करेंगे, उसके बाद कस्टमर, आप भी हमसे जुड़े हैं, आपने देखा कि कस्टमर को कभी दौड़ना नहीं पड़ रहा है, जो भी हुआ है हम आपसे और खुद से आके कनेक्ट करके यहाँ पे कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, हमारा मेन पर्पस ये है, वन स्टॉप सॉल्यूशन रखा है जी। बताइए आप हमारे व्यूअर को कि कैसे इंस्टॉलेशन होता है और इसका क्या प्रोसेस है और मटेरियल इसमें हम कौन सा यूज करते हैं? सभी व्यूअर्स को नमस्कार, मैं हेमंत सिंह। सर्वप्रथम हम इंस्टॉलेशन में सर्वप्रथम जो हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर की बात करेंगे जी। तो स्ट्रक्चर में जैसे होता है कि बहुत तरह के स्ट्रक्चर हम लोग यूज़ करते हैं सोलर को, इस पैनल को फिक्स करने के लिए जी। तो इस केस में हम लोगों ने यूज़ किया है GI मटेरियल है जी, इसका हमने यूज़ किया है स्ट्रक्चर बनाने के लिए और इसके ऊपर हमने इस प्लेट को इंस्टॉल किया है जी।
तो ये GI मटेरियल हो, काफ़ी इसका थिकनेस लगभग 2 mm का हमने यूज़ किया है, जी जी, 2.5 mm का है, जो काफ़ी मजबूती के साथ ये खड़ा है। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो बिल्डिंग इसकी हाइट पर हम खड़े हुए हैं, जी जी, ये 6th floor बिल्डिंग है जी, तो 6th floor पे हम लोगों ने इसको इंस्टॉल किया है। और यहाँ एयर का जो प्रेशर है उसको बैलेंस करने के लिए हमने अपना एक टेक्निक यूज़ किया है कि दो सोलर के प्लेट के बीच में हमने काफ़ी ऐसा गैप दिया है ताकि एक वैक्यूम बने, जी जी, उसको ब्लो करके उड़ा के ना ले जाए जी, ये बिजली यहाँ से पास कर जाए। और ये फ्रंट लेग है, ये फ्रंट लेग है जो GI मशीन का यूज़ किया गया है, और इसको और मजबूती देने के लिए हमने सीविंग का काम कराया है, जो कि ढलाई कर दिया गया है, तो इसकी मजबूती काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। कस्टमर को सिर्फ अपने रिक्वायरमेंट देना होता है और हमें हायर करना होता है, हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी होती है कि आप ये काम कीजिए, कस्टमर को कोई भी वरी या कोई भी टेंशन लेने का आवश्यकता नहीं है। ये जरा इधर दिखाइए कि पानी की टैंकी है, जिसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रही थी इसको इंस्टॉल करने में, तो इसको भी हमने कस्टमर को इसका कस्टमर को इसके लिए कुछ सोचना नहीं, मतलब आपने मॉडिफाई करके इसको चेंज कर दिया, इस टैंकी को हमने वहाँ से यहाँ शिफ्ट कराया जी जी, ताकि कस्टमर को इसका बाद में कोई सफाई में या मूवमेंट में कोई परेशानी ना हो जी जी। और ये सोलर सही से इंस्टॉल होता है, इसके लिए भी हमने ध्यान रखते हुए खुद हमने कराया है। और इसका ज़रा बताइए कि आप यहाँ से वायर वगैरह पाइपिंग वगैरह कैसे कनेक्शन वगैरह ले गए हैं, और इसके बाद हम नीचे इन्वर्टर और DC/DC भी देखेंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि सर्वप्रथम हम स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जी जी, स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद इस पैनल को हम एक सर्टेन सिस्टम है जिसके माध्यम से हम लोग उसको टाइट करते हैं और होल्ड कराते हैं उस पर। उसके बाद इन इस सोलर में जैसे देखिएगा यहाँ पे DC वायर का केबल आता है जो कि मेल और फीमेल सॉकेट के साथ आता है, ये कनेक्टर है MC4 कनेक्टर है जो कि इनबिल्ट आता है। कि सर ये MC4 कनेक्टर से क्या बेनिफिट होता है जरा बताएं, इसमें वो मतलब ये एक तरह नहीं है, ये एक तरह का वाटर प्रूफिंग हो गया, जिस तरह से पानी उनी इस पे आए तो ये शॉर्ट सर्किट ना हो, एफिशिएंसी के लिए यूज किया जाता है और शॉर्ट सर्किट ना हो, चूंकि ये ओपन वायर ओपन में रहता है जी जी, इस हिसाब से ये कंपनी इनबिल्ट ये देती है जी जी। तो ये DC वायर के साथ ये मेल फीमेल कनेक्टर आता है, इसको कनेक्ट करके सीरीज कनेक्शन में हम लोग पहले इसको, अच्छा जरा इसको बताएं कि आप यहाँ से सोलर से जो वायर हमारे ले जाते हैं पार्टी को ताकि उससे कोई दिक्कत ना हो, तो वो कैसे ले जाते हैं, पाइप के थ्रू या ओपन? इसको जैसे हमने सीरीज में कनेक्शन कर दिया, करने के बाद जो है जब तार जो लेके जाते हैं नीचे इन्वर्टर DC/DC तक, इसको हम लोग क्या करते हैं अंडरग्राउंड पाइपिंग करके लेके जाते हैं। आप अगर यहाँ देखिएगा जी, अपनी हम लोगों ने बिल्कुल कहीं भी आपको एक ओपन वायर नहीं देखेगा, ये बिना से पूरा कनेक्शन आप देखिएगा, इवन दो ये 6th floor होगा लगभग जी जी, ठीक है, तो भी हमारे इंजीनियर्स ने किस तरीके से अर्थिंग वायर और AC वायर को बिल्कुल यहाँ से अगर आप नीचे तक जा सकते हैं जी जी, तो जी किस तरीके से हमने इसको पूरा वायर के ये पाइप के अंदर रख के ही किया है, कोशिश किया है हमने कि कहीं पे भी एक पॉइंट पे भी वायर खुला ना रहे, एक तो इससे लुक भी अच्छा आता है और वायर भी प्रोटेक्टेड रहता है, वो मेस नहीं लगता है कि हाँ भाई वायर खुला हुआ है या नहीं। तो हम अपने तरफ से कोशिश करते हैं जितना अच्छा दे सके, आप देखिएगा कि हमने कहीं भी कोई भी ये नहीं एंकर का पाइप लिया, ये नहीं कि सस्ता पाइप दे दिया जी जी, मतलब आप क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। मैं सिर्फ यही सोचता हूँ अगर मेरे घर का हो रहा है तो मैं कैसा चाहूँगा जी जी, तो कस्टमर का भी वैसा ही होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा पर्पस रहता है और बढ़िया दो जी जी, ताकि हमें भी 5 साल तक इसका मेंटेनेंस करना है, 5 साल की वारंटी हम इंस्टॉलेशन पे दे रहे हैं, वी हैव टू मेंटेन दैट, तो उसके लिए हम लोग जो भी चीज़ें लगाते हैं बिल्कुल प्रॉपर अच्छी क्वालिटी का लगाते हैं। सर और एक चीज़ बताइए, जैसे इसमें मुझे जहाँ तक पता है कि कुछ सब्सिडी वगैरह भी है, मतलब क्या ऐसा सच में है कि सोलर लगाते हैं तो क्या सब्सिडी मिलता है कुछ? जी बिल्कुल सब्सिडी मिलता है, जहाँ तक आपको मैं बताऊँ तो जो ऑन ग्रिड सिस्टम होता है जी जी, उसमें सब्सिडी मिलता है, हम लोग PM वेंडर भी हैं, ठीक है, तो इसमें 5 kW में आपको 55,000 से 59,000 के बीच का सब्सिडी आता है, जो जी गवर्नमेंट की तरफ से आता है PM सब्सिडी, जो कि आपको ओनर के जिनके नाम पे मीटर है उनके बैंक अकाउंट में चला जाता है, वो भी हम खुद से अप्लाई करवा के देते हैं। और
जब सब्सिडी की बात करें तो एक चीज समझना होगा कि कमर्शियल मीटर्स पे सब्सिडी नहीं मिलता, जी जी, सिर्फ रेसिडेंशियल पे मिलता है, और रेसिडेंशियल पे भी 10 किलोवाट तक के ही लोड मैक्सिमम मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया सब्सिडी का पार्ट। सब्सिडी दो तरीके के सिस्टम में ही मिलता है, या तो आप ऑन ग्रिड लगवा रहे हैं या हाइब्रिड लगवा रहे हैं, ऑफ ग्रिड में सब्सिडी नहीं मिलता है। ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछ लिया, मुझे याद आ गया, पहले हमें नहीं पता था कि हाइब्रिड सिस्टम पे भी सब्सिडी मिलता है, और किसी कस्टमर ने ही हमें बोला कि नहीं उस पर मिलता है, तो हम उस समय कन्फर्म नहीं थे। हमने पीएम सोलर को इसके लिए मेल किया और 3-4 बार करने के बाद, क्योंकि वो भी बिजी रहते हैं, हमें एक्चुअल में उनका अपडेट आया एंड दे सेड कि हाँ हाइब्रिड सिस्टम पे भी सब्सिडी मिलता है। जी जी सर, आपका बहुत बहुत फिर से धन्यवाद। सब्सिडी के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं दे पाता है, आपने पूरा अच्छे से जानकारी दिया और पूरा समझाया। हम लोग ऊपर से आ गए हैं, हमारा जहाँ पे DC-DV इन्वर्टर लगा हुआ है, इसके बारे में भी हमारे टेक्नीशियन बताएंगे कि किस तरह इंस्टॉलेशन हुआ है। जी बताइए सर। जैसे कि हमने बताया कि ऊपर हमने DC वायर को सीरीज कनेक्शन करते हुए पीछे के वायरिंग के थ्रू हमने यहाँ लाया है। जी जी। और ये DC वायर का DC-DV है। अच्छा, ये DC-DV है। DC-DV है क्योंकि सोलर जो है DC करंट प्रोड्यूस करती है, तो इसके लिए DC-DV है। जहाँ पे जो ऊपर का जो वायर आया है इसमें इंक्लूड किया गया है, और चूँकि इधर यहाँ MCB और कुछ अंदर डिवाइसेस लगे हुए हैं जहाँ से फिर ये आउटपुट निकल कर भी इन्वर्टर में चला आ रहा है। इन्वर्टर से फिर ये आउटपुट निकल के चल जा रहा है AC-DV में। इन्वर्टर इसको AC करंट में कन्वर्ट करती है, और AC-DV के माध्यम से हम लोग फिर इसको लेके चल जाएंगे जहाँ पे हमारा मेन डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा है, नेट मीटरिंग जहाँ नेट मीटरिंग जहाँ हुआ है। तो ये अभी हमारा ऑफ क्यों है? ये क्योंकि नेट मीटरिंग नहीं हुआ है। चूँकि नेट मीटरिंग नहीं हुआ है इस कारण से इसको अभी ऑफ करके रखा गया है। सिस्टम हमारा रेडी टू यूज है, चूँकि नेट मीटरिंग का इंतजार कर रहे हैं। नेट मीटरिंग जैसे होगा सिस्टम ऑन हो जाएगा और यूज में आ जाएगा। वायरिंग करते हुए हमने यहाँ लाया है, और ये वायर जाके इनपुट हो जा रहा है अपना DC-DV में, और DC-DV से इन्वर्टर में गया है। इन्वर्टर से फिर आउटपुट जो करंट निकल रहा है AC-DV से, तो AC-DV का करंट यहाँ से फिर पूरा वायरिंग के थ्रू प्रॉपर फिनिशिंग के साथ, एक प्रोफेशनल का जो एक काम होता है वो प्रोफेशनल फिनिशिंग आप इसमें देख सकते हैं। कहीं से भी हमने इसमें कैजुअल अप्रोच नहीं दिखाया है। अच्छा, यहाँ से आपने वहाँ से पहले सोलर लाया, सोलर का वायर ऊपर से DC करंट आया है। जी जी। जो ऊपर सोलर का करंट प्रोड्यूस हो रहा है DC वायर आया है, DC-DV में गया है। जी जी। DC-DV से इन्वर्टर में गया है, इन्वर्टर से फिर AC-DV में जो करंट निकला है AC करंट, वो फिर यहाँ से आउटपुट गया है। मतलब ये एक पाइप जो हो गया हमारा सोलर से जो DC वायर आया है उसका हो गया, और एक वायर जो हमारा AC इन्वर्टर से जो नीचे गया है वो है AC करंट, जो नेट मीटरिंग में जाके जी जी इनपुट हो जाएगा। ऊपर देखा कि AC-DV से जो AC करंट आउटपुट पाइपिंग के माध्यम से जो हम वायरिंग करके लाए थे, वो करंट जो वायर हमारा ये सब मीटर में लग चुका है। ये सब मीटर में इनपुट हुआ और सब मीटर से आउटपुट जाके अपना चेंजर में लग गया है, जो कि AC वायर AC करंट के साथ अपना कनेक्ट हो गया है। ये अब जैसे नेट मीटरिंग कम्प्लीट हो जाएगी, घर अपने डोमेस्टिक रूम में अपने आ जाएगा। जी जी। और हमारे व्यूवर को अर्थिंग दिखाइए कि अर्थिंग आपने कहाँ इंस्टॉल किया हुआ है। जी बिल्कुल, अर्थिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होता है इस इलेक्ट्रिकल वर्क में। अर्थिंग के अलावा नहीं, अगर नहीं होता है तो काफ़ी रिक्स और हजार फैक्टर होते हैं, उसको हमने कवर किया है। ऊपर से वायर आ रहा है यहाँ, जैसे कि हमने ऊपर से आपको जूम करके दिखाया था, जैसे कि आप देख रहे हैं एक पाइप ऊपर से आया है, इसमें अर्थिंग का वायर है, जो कि इसमें एक लाइटिंग अरेस्टर का अर्थिंग है, और एक DC-DV का है, और एक AC-DV का है, जो कि इस पाइप के माध्यम से हम इसको लेके आ जा रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे है, और यहाँ से हम इसको ड्रॉप किए हैं, जो कि अर्थिंग पिट में चला गया है, जहाँ पे रॉड गड़ा हुआ है अर्थिंग, जिसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो कि आज के जमाने में देखा जाए तो केमिकल अर्थिंग होती है, वही अर्थिंग हमने यहाँ किया है। जो कि किसी भी प्रकार के अगर लाइटनिंग होती है वर्षा के मौसम में, जी जी, उसका कोई पैमाना होता नहीं है कि कितना वोल्ट उस पर बिजली गिरेगी, इसलिए हमने लाइटिंग अरेस्टर ऊपर लगाया। जैसे कि आपने देखा है, वो लाइटिंग अरेस्टर काम है कि उस बिजली को उस
लाइटनिंग को एब्जॉर्ब करेगी, उसको जैसे नाम से प्रचलित होता है लाइटनिंग अरेस्टर, उसको अरेस्ट करती है और उसको ग्राउंड कर देती है इस अर्थिंग के माध्यम से। इस पाइप में आपका यहाँ पे कितना अर्थिंग है और आपने क्या जमीन के अंदर भी ये पाइप डाला हुआ है? नहीं, ये अर्थिंग पिट के अंदर तक जाती है, मतलब अर्थ पिट जो अर्थ चैम्बर होता है वहाँ तक आपने पाइप डाला हुआ है ताकि तार कटे फटे नहीं, तार कटे नहीं, चूहा ना काट दे या कोई अदर फैक्टर से इसको मतलब कुछ डिस्ट्रॉय ना हो, इसको ध्यान रखते हुए हमने लगभग एक दो फीट के अंदर लगभग हमने गड्ढा में इसको डाला हुआ है। जैसे देखिएगा कि तीन अर्थिंग हुआ है, एक अर्थिंग यहाँ पे, एक अर्थिंग पीट है जी, जो एक डीसी उपकरण के लिए है, ये अपना लाइटिंग अरेस्टर के लिए हो गया, और एक अर्थिंग अपना यहाँ पे, टोटल तीन अर्थिंग हुआ है हमारा यहाँ पे, जो कि एक एसी करें।